नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है, वो कौन है जिनका नज़र आपके ऊपर रहता है। ओके, हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, उनकी नज़र आपके ऊपर रहता है, वो कौन है। ठीक है, जिनकी नज़र आपके ऊपर रहता है वो कौन है, ये हम जानेंगे। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, डेफिनेटली लव से रिलेटेड मैसेजेस आ जाएंगे, आई नो दैट, मगर ये कोई लव रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। बेसिकली आपके ऊपर कोई भी नज़र रख सकता है ना, कोई भी हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, घर के बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि वो कौन है, ओके, और उनका इंटेंशन क्या है वो भी हम जान ही सकते हैं इस रीडिंग के जरिए, ओके। वो मैसेजेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर जुड़े हैं तो वेलकम टू माई चैनल, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर वन के लिए जो कार्ड आया है वो है फादर ऑफ सॉर्ड्स, एंड ऑप्शन नंबर टू के लिए जो आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। कार्ड्स की मीनिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ नहीं, मैं अलग वे में रीडिंग करती हूँ। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए, फादर ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर वन, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है फादर ऑफ सॉर्ट्स तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी कौन है ये शख्स जिनकी नज़र आपके ऊपर रहता है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन वन के जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर किसका नज़र रहता है, वो कौन है इंसान जिनकी नज़र मेरे व्यूअर्स के ऊपर रहता है, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर रहता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू सो मच। हु इज़ ही और शी, कौन है ये शख्स। आई एम हियरिंग घरेलू, ये जो भी इंसान है थोड़े घरेलू इंसान है, बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड इंसान। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई मैरिड इंसान है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके। अदरवाइज ये फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज है, उनके लिए फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर ज़्यादातर टाइम वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, ओके। कहीं पे बाहर जाते भी हो तो फैमिली के साथ, घर के मेम्बर्स के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, अकेले उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, एक तो मुझे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो भी शख्स हैं इनके साथ आपका बिहेव, आपका बॉन्डिंग बिहेवियर नहीं, आपका बॉन्डिंग इनके साथ कुछ ऐसा है फिलहाल जहाँ पर उतना बातचीत नहीं है, या तो बातचीत बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं है बातचीत, ओके। ये शख्स अपनी ट्रू फीलिंग्स इमोशंस आपके सामने शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो भी शख्स है, चाहे वो आपके घर के इंसान हो या घर के बाहर का, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपके फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आपके ऊपर, तो डेफिनेटली आपके फादर भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी सभी के लिए मुझे ये भी मैसेज आना है कि ये जो भी शख्स हैं इनके साथ आपका बॉन्डिंग उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है फिलहाल, फिलहाल मुझे ये नहीं दिख रहा कि इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, नहीं, बातचीत या तो कम होता है या फिर बिल्कुल भी बातचीत नहीं होता है, और ये इंसान इमोशनली फिलहाल अनअवेलेबल है, लाइक अपने इमोशंस वो आपके सामने या किसी और के सामने इजीली शो नहीं करते हैं, और राइट नाउ आपके सामने तो वो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं अपने इमोशंस, एक तो मुझे ये दिख रहा है, डिटैच है आपसे काफ़ी हद तक, एनर्जेटिकली मुझे एक ये वाइब्स मिल रहा है, कोल्ड एंड डिटैच वे में ये आपसे आप बिहेव करते हैं, लाइक अगर आप इनसे बात करते भी हैं या फिर करेंगे भी तो ये शो नहीं करेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं समथिंग, इस तरह के एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ये जो भी इंसान है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातचीत करना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है ये सभी क्वालिटीज आपके हैं तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। कभी कभी व्यूअर्स के एनर्जीज भी आ जाते हैं यहाँ पर, दैट्स मैं बता रही हूँ, ओके। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो भी शख्स है सेंसिटिव भी है, बाहर से आपको दिखेगा कि इंसान काफ़ी सख्त है, रूड टाइप के लग रहे हैं आपको, स्टबबोर्न है, ऐसा कुछ ज़िद्दी टाइप के आपको लगेंगे, लेकिन अंदर से इंसान काफ़ी सेंसिटिव है, ये मुझे दिख रहा है। और ये आपको लेकर, आपके साथ जो इनका जो भी बॉन्डिंग है उसमें काफ़ी सेंसिटिविटी है, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, सेंसिटिविटी, लाइक आपका इस शख्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी नाजुक है, बहुत जल्दी रूठना, बहुत जल्दी झगड़ा हो जाना, यू नो, ऐसा हो सकता है, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी ये इंसान कौन है जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत पुराना फिल्म है लेकिन ये फिल्म, इस फिल्म के सभी सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा, और इस फिल्म का जो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है वो है
दिल 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 दीवाना हो गया रे। ये था गाना। बोलो ना अब क्या करें, या तो जिए या फिर मरे। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है कि जो भी शख्स है ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। ये शख्स कौन है जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं? हो सकता है आपके हस्बैंड भी हो, कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, ओके। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैंने बोला भी था कि मैरिड इंसान का भी वाइब्स मिल रहा है मुझे यहाँ पर। और अगर आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके फादर भी है। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान नज़र रखते हो, है कि नहीं? तो हमारे ऊपर मोस्टली बहुत से लोग नज़र रखते हैं। तो कौन है ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए, जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं? थैंक यू। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए, इन दिस स्पिरिट गाइस, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर कौन नज़र रखता है? वो कौन है शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर बहुत नज़र रखता है? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर फादर ऑफ सॉर्ट्स आया है, यानी किंग ऑफ सॉर्ट्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार, एंड वन फाइनल कार्ड। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर नज़र रखते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर टावर है देखिए, ओके। तो अगर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरीज लिव सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। एक्वेरियस कैंसर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये साइंस मुझे दिख रहा है, बट फिर भी आप साइंस पे ज़्यादा फोकस ना करें तो बेहतर है, ओके। एक मिनट, लाइटिंग थोड़ा कम हो रहा है, ओके। आई होप कि अब दिख रहा है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है यहाँ पर मैसेज, लेट्स सी। और भी हम जानते हैं ये शख्स कौन है। सबसे पहली बात, इस शख्स के साथ आपका डेफिनेटली पास में कुछ तो हुआ है, लड़ाई झगड़ा इशू, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट, ओके। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ इसी टाइप का वाइब्स मिल रहा है। ये जो भी शख्स है फिलहाल अपने लाइफ में वो सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। और इजीली चीज़ों को चूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। चीज़ें हो या इंसान हो, बहुत ही पिकी इंसान है, चूज़ी इंसान है। इजीली इनको लोग इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़ा नखरे हैं इस इंसान के, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंसान ईजिली इम्प्रेस नहीं होते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ कुछ करके भी दे, लाइक क्रिएटिवली कुछ आप क्रिएट करके इनको दे, लाइक गिफ्ट दे या कुछ खाना ही बना कर दे, तो ये इजीली उससे इंप्रेस नहीं होने वाले हैं। मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में आपने इस शख्स के लिए एफर्ट लगाया था, चाहे कोई भी हो, इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए आपने एफर्ट लगाया था, लेकिन ये इंसान इम्प्रेस हुए नहीं। मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है। बहुत ही ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत है, घर का ऐसा इंसान है ये जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत है। ये घर का कोई बड़ा बेटा या बड़ी बेटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बड़े ही हों घर के, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से घर के छोटों को भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ लेना पड़ता है। लेकिन बताया ये जाता है कि खाली बड़ों को ही लिया जाता है, लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ओके। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए स्ट्रांगली दिख रहा है कि घर का बड़ा इंसान हो सकता है, बड़ा बेटा हो सकता है घर का, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, घर के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शख्स के ऊपर, आपसे एज में बड़े हैं, एक तो ये कन्फर्मेशन है, ओके। अगर आप फीमेल व्यूअर हैं तो डेफिनेटली ये शख्स आपसे एज में बड़े हैं, ओके। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों सेम होते हुए भी थोड़ा बहुत ऑपोजिट हैं। आप दोनों कुछ कुछ चीज़ें आप दोनों का सेम है, बट स्टिल आप दोनों काफ़ी ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि सेम होते हुए भी कुछ कुछ चीज़ें सेम हैं आप लोगों का, बट स्टिल काफ़ी ऑपोजिट हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक इंसान बहुत ही मैस्कुलिन है, एक दूसरा इंसान बहुत ही फेमिनिन है, एक तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी शख्स है दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, ओके। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि पास्ट में आप जब भी इनसे बात करते थे, हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगे कि आपको इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता था कि आपका इनके साथ बहस होता था, लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। एक तो मुझे ये एक सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस शख्स के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत है, ये डेफिनेटली इंसान को हील कर सकते हैं, ओके। अपने बातों के ज़रिए भी हील कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स ये इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बिहेव करते हैं, दैट्स वाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ही जाता है, लोग गलत समझ ही लेते हैं, ओके। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, शॉर्ट टेम्पर इशू है इस शख्स का, या
एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास में इन्होंने डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक तो किया होगा, ओके और करंट टाइम फ्रेम पर ये शख्स कुछ ऐसा सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से रिलेटेड सिचुएशन से ये शख्स करंट टाइम फ्रेम पर गुजर रहे हैं। बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान है, पैसा फेम मनी इसके पीछे थोड़े भागने वाले इंसान है, मटेरियल चीज़ों के पीछे ये इंसान बहुत भागते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। करियर में कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, कैसे हम और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं अपने लाइफ में, सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ये एक एनर्जी मुझे मिल रहा है इस शख्स से। दूर का प्लानिंग करने वालों में से हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, ओके प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग ये एक्शन लेना पसंद करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान मुझे ये शख्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ओके लेट्स सी, और भी मैं देखना चाहूँगी ये इंसान कौन है, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ये शख्स कौन है जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है लौटना चाहते हैं, डेफिनेटली बातचीत बंद है बहुत से लोगों का इस शख्स से, और वो अपने लाइफ आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं। डेथ एंड वन मोर, कौन है ये शख्स? थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है यहाँ पर। ओके तो एक तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए ये कोई कार्मिक इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी है, स्टबर्न नेचर के हैं, ईजिली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, एक तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है इस शख्स से। ओके नेक्स्ट, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ इनका बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग है, और इस वजह से भी वो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रख रहे हैं। वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि ये जो अटैचमेंट है वो किस लिए है, इतना स्ट्रांग अटैचमेंट क्यों है आपके साथ, ठीक है, इतना स्ट्रांग अटैचमेंट क्यों है आपके साथ। आपकी तरफ फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है ये शख्स, एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा, ये शख्स काफ़ी मिस्टीरियस किस्म के हैं, इनकी बहुत सारे हिडन थाट्स है, हिडन थाट्स या हिडन थाट्स लाइक हिडन फीलिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं ईजिली। ओके और राइट नाउ ये इंसान बहुत ही एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है इसमें इस शख्स को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। ये ज़्यादातर मैसेज मुझे लव से रिलेटेड वाइब्स मिल रहा है, लव रीडिंग से रिलेटेड वाइब्स मिल रहा है। ये इंसान एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, हार्ट चक्रा में आपको पेन हो सकता है समटाइम्स बिना किसी रीज़न का, तो समझ लीजिएगा कि आप इसी इंसान की एनर्जी पिक कर रहे हैं। ओके ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के बीच, डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्लॉक्ड है, और ये इंसान बात करना चाहता है, बात करना चाहते हैं ये इंसान आपसे, क्लियरली क्लियर कट बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी वो फील करते हैं आपको लेकर, जो भी भुला नहीं पा रहे हैं, याद आ रहे हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है, वो सभी बातें वो डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इन्हें लगता है कि आपने कहीं इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क तो नहीं किया है, यू नो तो कुछ ऐसा उन्हें लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, मुझे तो पहले कभी किसी को लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ था कि मैं उनके ऊपर नज़र रखूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत नज़र रख रहे हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, और शायद आप इन्हें भुला चुके हैं, ऐसा इनको लगता है। ये भी एक रीज़न है कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। ओके जानना चाहते हैं कि बेसिकली आप सच में आपने सच में इनको भुलाया है कि नहीं भुलाया है, आपके माइंड में अभी भी ये शख्स है या नहीं। तो डेफिनेटली व्यूअर्स इस शख्स को जानते हैं जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, डेफिनेटली आप लोग इस शख्स को जानते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके खुद के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और बाकियों के लिए आपका एक्स लवर या फिर करंट लवर ही है शायद बहुत से लोगों के लिए, बट बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट जोन का सिचुएशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। क्रश वगैरह भी हो सकता है या फिर वन साइडेड लव समथिंग इस तरह से, बेसिकली ऐसा है कि आपके अंदर अगर इनके लिए फीलिंग्स है तो इस शख्स को भी बताएं कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, और इस शख्स के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, और आपको भी पता है कि इस शख्स के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ओके और एक मैसेज मुझे आ रहा है, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है, सबके लिए नहीं है मैसेज, कुछ लोगों के लिए है, ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, और वहाँ पर इनको अच्छा खासा सबक मिल रहा है, ठीक है।
कार्मिक के वजह से अच्छा खासा वो दिन देख रहे हैं इस वक्त, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके ऊपर काफ़ी नज़र रख रहे हैं। उनका कहीं कहीं ना कहीं उनका सोच ऐसा है कि मैं यहाँ पर इतने तकलीफ में हूँ, तो मेरे बगैर वहाँ पर इतने खुश कैसे हो। एक तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं inspiringtarot111@gmail.com। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर टू। तो चलिए देखते हैं वो शख्स कौन है जिनकी नज़र आपके ऊपर रहता है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, वो कौन है शख्स जिनकी नज़र ऑप्शन नंबर टू के ऊपर रहता है। हु हैज़ देयर आईज ऑन यू फॉर ऑप्शन नंबर टू। थैंक यू सो मच। मिस्टीरियस, आई एम हियरिंग मिस्टीरियस, एंड ऑल्सो मुझे सुनाई दे रहा है कि ये इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। ओके, एक तो मिस्टीरियस है और ये इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम किया हुआ है। इन्हें आता है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस शख्स ने ऑलरेडी अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया है, रीप्रोग्रामिंग किया है। एक तो ये होता है कि हम जो बचपन से बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे घर के आसपास के लोग, रिश्तेदार, ये सभी सोसाइटी सब मिलकर हमारे दिमाग में एक किस्म का प्रोग्राम फिट करते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप लोग। ओके, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं घिसी पिटी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई यही है, सब लोग यही करते हैं, ऐसा ही चलता है, यही तो सोसाइटी का रूल है। और एक लाइन लोग बहुत बोलते हैं कि इस सोसाइटी में रहना है तो ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा भाई तुमको। तो ऐसे घिसी पिटी रूल रेगुलेशंस जब हमारे ऊपर थोपा जाता है, थोपते थोपते हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। ओके, आदत पड़ जाती है और हम उसी हिसाब से जीने लगते हैं, बहुत लिमिटेड सोचने लगते हैं। लेकिन जब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तब उसे पता चलता है कि बहुत सी घिसी पिटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में लोगों ने डाल कर रखा हुआ है, कचरा कूड़ा, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, वो एक बार आपने निकाल दिया, हर एक बात बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सोसाइटी से बुरी बातें ही सिखाती है, नहीं, हर एक बात बुरी नहीं होती, लेकिन बहुत सी ऐसी घिसी पिटी चीज़ें होती हैं जो यूज़लेस है। ओके, तो जब इंसान सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं, तब उसे पता चलता है कि लिमिटलेस है इस दुनिया में चीज़ें, लाइक लिमिटलेसली आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं अपने लाइफ में, अचीव कर सकते हैं, लाइक बहुत कुछ चीज़ें होती है। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और घिसी पिटी रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देते हैं टोटली। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है कि इस शख्स ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, ये अपने सबकॉन्शियस के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसको मैनेज करना इनको आता है, प्रोग्राम किया है उन्होंने, रीप्रोग्रामिंग। ओके, एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, काफ़ी मिस्टीरियस इंसान है, आप इजीली इस शख्स के बारे में नहीं जान सकते हो। ओके, इनको जानने के लिए आपको इमोशनली इस शख्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे इस शख्स को जानने के लिए, तब तो हो गया समझो आपका दिमाग। ओके, तब तो हो गया समझो, आप दिमाग लगा के इस शख्स को नहीं जान सकते हो। ये शख्स बहुत मिस्टीरियस है। इनफैक्ट मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये शख्स अपने बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें अभी तक इनको पता नहीं चला है, कुछ मिस्ट्री मैजिकल टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है इस शख्स से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो ये पाइन आपका नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ, वरना कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि ये मेरी एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है कि सभी चीज़ें आप ही के साथ मिल रहा है, लाइक आप ही ऐसे इंसान हैं, तो ये आपका पाइल नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन वन देखिएगा। ठीक है, ओके, तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है सब। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान, जो भी इंसान है, इंसान बहुत बिजी रहता है। ठीक है, एक और मुझे मैसेज मिल रहा है कि विजडम बहुत है इस इंसान के पास, विजडम बहुत नॉलेज है इनके पास। ओके, अल्फाबेट ए मुझे नज़र आ रहा है, अल्फाबेट ए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस शख्स के पास विजडम बहुत ज़्यादा है, कुछ एंशियंट विजडम भी है इस शख्स के अंदर, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। इंसान बहुत ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में, और इंसान बहुत ग्रो करेगा भी अपने लाइफ में, या करेगा या करेगी, जो भी है, बट मुझे दिख रहा है कि इंसान ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। इनके बर्थ चार्ट पर टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सजिटेरियस, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, अर्थ साइन एंड फायर साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, इनके बर्थ चार्ट पर तो है। माइंड
रीड कर सकते हैं ये शख्स। हो सकता है आपको पता ना हो इस शख्स के बारे में ये सब बातें, ज़रूरी नहीं कि आपको सब पता हो इनके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी मिस्टीरियस इंसान है। अगर आपको लगता है कि आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता है तो नो यू आर रॉन्ग, आपको बहुत सी बातें पता नहीं है इस शख्स के बारे में। आपको एंजल नंबर 222 या 222 काफ़ी दिखाई दे सकता है, जब भी दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ओके लेट्स सी कौन है शख्स जिनकी नज़र आपके ऊपर है, लेट्स सी। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। दीपावली का त्यौहार इनको बहुत पसंद है, दिवाली, एंड मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि लाइटिंग इनको बहुत पसंद है, जो यू नो जहाँ पर जो ये लाइट्स है वैसा वाला नहीं, मतलब छोटे छोटे जो लाइट्स होते हैं ना दिवाली में जो डेकोरेट किया जाता है, इस तरह की लाइटिंग्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जुगनू इनको बहुत पसंद है, जुगनू इनको बहुत पसंद है। कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, कौन है वो शख्स प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैग्नेटिक आई एम हियरिंग, लाइक आपका और इस शख्स के बीच का जो कनेक्शन मुझे बॉन्डिंग यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी अट्रैक्शन है। और ये बोथ साइड है, सिर्फ इस शख्स की तरफ से नहीं आपकी तरफ से भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी जानते हैं ये शख्स कौन है। ओके हो सकता है इन्होंने कभी आपको बोला ना हो, लेकिन ये बोथ साइड मुझे दिख रहा है, ये वन साइडेड वाला अट्रैक्शन नहीं है। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। हाई प्रिस्टेस, मैंने क्या बोला था, बहुत ही मिस्टीरियस, यहाँ पर भी आया है नंबर 2, मैंने बोला था आपको 222 या फिर 222 काफ़ी दिखाई देगा, जब भी दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। एंड मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, जहर नसीब, तुझे चाहूँ बेतहाशा जहर नसीब। ओके मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूँ बेतहाशा जहर नसीब। परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा है इस फिल्म में, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, लाइक शादी करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अप्रूवल, आई एम हियरिंग अप्रूवल, उन्हें किसी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत है, मान लीजिए आपसे किसी किस्म का अप्रूवल, कि आपकी हाँ की ज़रूरत है, मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है, अप्रूवल मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी तरफ से इन्हें कन्फर्मेशन चाहिए हाँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ बिताऊंगी या बिताऊंगा, समथिंग इस तरीके से आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि इंसान आपसे सुनना चाहते हैं। कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर नज़र रखते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्स, देन यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कौन है शख्स, एक और लूंगी मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट, यस अप्रूवल, मैंने बोला था ना जजमेंट, यस। ओके तो ये जो भी शख्स है साइंस, जैसे कि मैंने बोला टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सजिटेरियस मैंने बोला था, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पाइसिस यहाँ पर स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रांग है, एंड एरिस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। ओके ये शख्स काफ़ी ऐसे इंसान है, फैमिली इनके लिए बहुत मैटर करता है, फैमिली रिलेशनशिप उनके लिए बहुत मैटर करता है, इस शख्स के लिए लॉयल है ये इंसान, एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। देखिए हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इंसान लॉयल नहीं है, बट मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि इंसान काफ़ी लॉयल है, ठीक है, आपसे एज में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपसे एज में छोटे हैं। ओके देखिएगा आपके हिसाब से, लेकिन मुझे ये मैसेज आना है कि आपसे एज में ये छोटे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको एक्सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके
ये इंसान काफ़ी वाइज इंसान है, इनके पास विजडम नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी मुझे मिल रहा है कि बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ इंसान है। इनको डिफरेंट रिलीजन की नॉलेज है इनके पास, मुझे एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जानना, उसके नॉलेज गेन करना उन्हें जानना अच्छा लगता है, मिस्ट्री मिस्टिकल चीज़ों के बारे में जानना इनको काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक फेरीज यूनिकॉर्न एंड ऑल ऐसी चीज़ें, ऐसे क्रीचर्स के बारे में जानना, उनके साथ कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। फेरी टेल, आई एम हियरिंग फेरी टेल, बचपन में इस शख्स ने फेरी टेल्स बहुत सुने थे, परियों की कहानियाँ इनको बहुत अच्छा लगता था। ये इंसान बहुत ही लविंग एनर्जी के इंसान है, बहुत ही गिविंग एनर्जी के इंसान है, ये देना बहुत पसंद करते हैं, ये देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, अफेक्शन हो, लॉयल्टी हो, ये इंसान देना बहुत पसंद करते हैं। और मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है कि ये इंसान ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद करते हैं, गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं, ऐसे इंसान हैं। छोटे बच्चों के लिए इनके दिल में बहुत प्यार है, छोटे बच्चों के साथ ये इंसान बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाता है, या इनका इनर चाइल्ड बहुत ही स्पेशल है, आई एम हियरिंग बहुत ही वाइब्रेंट है इनका इनर चाइल्ड, ये अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबके साथ एक इनर चाइल्ड होता है, एक बचपना होता है हम सभी के अंदर, लेकिन इंसान अक्सर बड़े होते होते पैसों के पीछे भागते भागते भूल जाते हैं उसे, और इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लोग कि भूल जाते हैं ज़िंदगी जीना, वो बचपना ख़त्म हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत बचपना आना चाहे भी तो सोसाइटी है ना रोकने के लिए ओके लेकिन ये इंसान अपने इनर चाइल्ड के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही इनोसेंट वाइब्स भी मुझे मिल रहा है, इनको जज करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जज करें कोई कुछ भी करें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये शख्स ऐसे सोचते हैं जैसे कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, ओके मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तुम कुछ भी सोचो मेरे बारे में, मुझे उससे क्या, ओके सानू की आई मीनिंग सानू की ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इस शख्स के साथ आपका पास में बहुत धमाकेदार कुछ ऐसा हुआ था, धमाकेदार लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप, कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, धमाकेदार कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, आपका डेफिनेटली बातचीत बंद है। ये इंसान आपसे अप्रूवल चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी जानते हैं कि आप इनको पसंद करते हैं, ठीक है ये इंसान जानते हैं ये आप इनको पसंद करते हैं, ये बात इस इंसान को भी पता है, लेकिन वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं ये बात, ओके डिवाइन प्लान का यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि डिवाइन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो रहा है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इनको डिवाइन के थ्रू बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं, बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में इनको डिवाइन के थ्रू गाइडेंस मिलता रहता है। आर्की एंजल्स के साथ ये इंसान काफ़ी कनेक्टेड है, इनको चाहे पता हो या नहीं पता हो, लेकिन ये आर्की एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड है। आई एम हियरिंग आर्की एंजल गैब्रियल, आर्की एंजल माइकल, लेट्स सी कौन है शख्स जिनकी नज़र आपके ऊपर है, प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट का ये शख्स कौन है जिनकी नज़र ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू 10 ऑफ वॉन्स, डेविल एंड ओके ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर, डेविल एंड डेथ ओके कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो एंड एरिस लियो सजिटेरियस, माय गॉड यहाँ पर भी है टावर, फिर से टावर है ओके बहुत ही टेम्पटेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, शख्स है टेम्पटेशन एक किस्म का। ये इंसान जो है ये किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनकी एनर्जी कुछ ऐसा है कि लोग इनकी तरफ बहुत ईजीली अट्रैक्ट होते हैं और वो अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल तक होता है। मैंने कह रही कि ये इंसान दूसरों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, दूसरे इनकी तरफ होते हैं, ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। या फिलहाल एक किस्म की कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं इंसान, एंडिंग प्रोसेस चल रहा है कार्मिक साइकिल का, ठीक है। या ये चीज़ मुझे यहाँ पर देख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं ये इंसान, बट ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड है, खुद को बैलेंस रखना पसंद है इनको, इनके दिमाग में बहुत सारे थाट्स आते हैं आपको लेकर, लाइक नॉन स्टॉप, स्पेशली नाइट टाइम पर इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थाट्स आते हैं आपको लेकर,
ड्रीम आई एम हियरिंग, इनको ड्रीम भी दिखाई देते हैं, सपने, सपनों में आप आते हो इनके, हो सकता है कि आपको भी इनके सपने आते हो, तो ये कन्फर्मेशन है कि इंसान आपके लिए बना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई कार्मिक पर्सन है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है कार्मिक वाला मैसेज, ठीक है। बट मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है शख्स से, ये इंसान फिलहाल किसी किस्म का कर्मा क्लियर कर रहे हैं अपने लाइफ का, एक या एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल ये इंसान एंड करने जा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, जो थोड़ा पेनफुल है बट डेफिनेटली ये इंसान कर देंगे। हार्ड वर्कर आई एम हियरिंग, जिद्दी है, स्टबबॉर्न नेचर है इनका, हार्ड वर्क करने वाले इंसान है, मिस्टीरियस जो मैंने कहा ही था, सेम मैसेजेस यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, काफ़ी फोकस्ड इंसान है एंड लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है, फायरी एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है, आगे बढ़ते रहना इनको पसंद है लाइफ में, आगे बढ़ना है बस, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए तूफान आए, मुझे रुकना नहीं है, बहुत ही ब्रेव इंसान है, इनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, करेज। या इनका फेस देखकर तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कूल काम आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर जो आग लगा हुआ है वो आप नहीं देख पाओगे, बाहर से बहुत ही कूल काम स्माइल करता हुआ चेहरा, लेकिन अंदर उनके लाइफ में क्या हो रहा है ये सिर्फ ये इंसान जानते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 2, सो अगर आप जानते हैं ऐसे शख्स को तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा inspiringcharitypulan@gmail.com, ओके, बाय।